हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज मैं मेदू बड़ा बनाने जा रही हूँ। ये साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है, ये बहुत ही टेस्टी होता है। इसके लिए मैंने 1.5 कप उड़द दाल को रात में भिगो के रख दिया था। अब इसे हम पीस लेंगे। अब इसमें हम 1 इंच अदरक डालेंगे, थोड़ी सी कड़ी पत्ता डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे 1 से 2, और 3 से 4 चम्मच के करीब पानी डाल के इसका एक थिक बैटर बनाएंगे। ये देखिए, ये बैटर रेडी है। इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसमें हम 3 चम्मच के करीब चावल का आटा डालेंगे और इसे अच्छे से फेटेंगे जब तक कि ये दाल हल्का ना हो जाए। हथेलियों से भी इसे एक ही सार में हम अच्छे से फेटते रहेंगे। ये देखिए, अब हम पानी लेंगे कटोरी में। अब इसे हम देखेंगे कि ये हल्का हुआ है कि नहीं। ये पानी के ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब ये दाल पूरी तरीके से हल्का हो गया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे स्वादानुसार, काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, आप इसे दरदरा भी कूट के डाल सकते हैं, हींग डालेंगे 1 चुटकी, खड़ा जीरा डालेंगे 1 चम्मच के करीब, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या ना भी डालें, कड़ी पत्ता डालेंगे, आप यहाँ पे हरी मिर्च भी काट करके डाल सकती हैं। अब इसमें हम धनिया पत्ता डालेंगे और इन मसालों के साथ इस दाल को अच्छे से एक बार फिर से फेटेंगे। अब हम बड़ा बनाएंगे। तेल को मैंने कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम हथेलियों को पानी से भिगोएंगे और उसके बीच में ये दाल का बैटर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बीच में हम सेंटर पे एक होल करेंगे। अब उंगली से इसमें बीच में हम एक छेद डालेंगे। अब इसे हम तेल में डालेंगे। तेल को मैंने मीडियम आंच पे ही रखा है। मीडियम आंच पे ही इसे हम फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए, ये सुनहरा हो गया। अब इसे हम निकाल लेंगे। इस तरीके से मैं सारे बड़ा को तल लूँगी। ये रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। ये देखिए कितने अच्छे से ये अंदर से भी पका है, ऊपर से भी पूरी तरीके से क्रिस्पी है। इसे आप किसी भी चटनी या सांभर के साथ सर्व कर सकती हैं। मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इन्जॉय।